भाई इस वीडियो में आपको सात ऐसी जबरदस्त यूनिक मूवीज बताता हूँ जिनका कॉन्सेप्ट आपका दिमाग हिला देगा और आप भी उन मूवीज को देखते हुए हकीकत में ये कहोगे कि भाई ये कुछ नया देखा। लेकिन लिस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके भाई का छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम है शिरोमणि कांत और भाई इस चैनल पर हम लोग मूवी रिव्यूज और रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप मूवीज का शौक रखते हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। खैर मूवीज की तरफ बढ़ते हैं और लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली मूवी है द मैन विदाउट ग्रेविटी और ये 2019 में आई थी। और जैसा आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी कहानी घूमती कैसे बंदे के अराउंड जिसमें भाई ग्रेविटी का असर नहीं होता। अब भाई हम सब तो आम जनता है जो हम ग्रेविटी की धरती से चिपके रहते हैं, लेकिन सोच के देखो एक ऐसे बंदे की जिंदगी कैसी होगी जिस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता हो। इस मूवी के अंदर जब उसके गार्जियन को उसके बारे में पता चलता है कि ये बंदा भाई अलग है, तो उसकी फैमिली कोशिश करती है कि उसके बारे में दुनिया को पता न चले ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है उसको लगता है कि उसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। तो बंदा क्या करता है भाई ये मूवी देख के जानो। पॉजिटिव ये है कि काफी लाइट कॉमेडी, काफी अच्छा एंटरटेन कराती है आपको। नेगेटिव बस ये है कि सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो उसको जरूर देखो। एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट एक नए तरीके से देखने को मिलेगा, और अगर इसको देखने कंसीडर करने वाले तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में ही देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है आज की एक्स मशीना जो कि 2014 में आई थी और ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ होता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है जो कि एक काफी एडवांस एआई बनाता है और लड़की जैसे देखने वाले रोबोट के अंदर उसको इंस्टॉल कर देता है। फिर वो एक आम लड़के को बुलाता है ये टेस्ट करने के लिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के साथ कितना ज्यादा क्लोज हो सकती है। नतीजा ये हो जाता है कि उस बंदे को भाई उस रोबोट से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है इस मूवी को देख के जानो। ये भाई आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। भाई मैंने हाल ही में देखी है, मेरे को सही में इसके बारे में इंस्टाग्राम से पता चला तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त लगा था जिसकी वजह से मैंने मूवी देखी, और क्योंकि मेरे को अच्छी लगी तो मैंने इस वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड करा। तो मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म, ये 2019 के अंदर आई थी। ये मूवी बेसिकली एक यूनिक सी जेल के बारे में है और इसके अंदर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भेजे जाते हैं जिनको सिर्फ एक साल रहना होता है, अगर वो एक साल सर्वाइव कर गए तो उनको बेल मिल जाएगी आज़ाद भाई वो जिंदगी में रहने के लिए। तो आपने जैसे दुनिया भर के अंदर जेल्स दिखी होंगी सारी हॉरिजेंटल लेवल पे बनी होती हैं, लेकिन भाई इसके अंदर ऐसी जेल दिखाई जो वर्टिकल बनी होती है और हर एक मंजिल हर प्रिजनर के लिए एक सेल होता है, लेकिन उन सबके बीच में एक स्क्वायर होल होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन सब तक खाना पहुंचाने के लिए। आप सोच के देखो कि अगर वो खाने का प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे जा रहा है तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले कैदी को सबसे ज़्यादा खाने को मिलेगा, और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे होता जाएगा वैसी खाने की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी, तो सबसे नीचे रहने वाले के लिए कैसा स्ट्रगल होगा। यहाँ पे क्या चाहिए भी कि वो प्लेटफॉर्म एक सेल पे दो मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा। अब ऐसे हालातों में इन कैदियों के साथ क्या होता है इस मूवी को देख के जानो। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, और ऐसी ज्यादातर मूवीज यूनिक मूवीज होती है हिंदी में डब नहीं होती है भाई, तो भाई ये भी सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है मॉडल इंजन, ये 2018 में आई थी और उसका कॉन्सेप्ट भाई सही में भाई बहुत यूनिक है। इसके अंदर भाई दुनिया खत्म हो चुकी है, जो बच्चे कुछ शहर है वो अपने आप पूरे पूरे शहर अपने आप चल रहे हैं, उन शहरों के नीचे बड़े बड़े पहिए लगे जिनकी मदद से उनको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। तो इन्हीं के बीच लंदन शहर होता है जो कि भाई बहुत ही सुपीरियर होता है, तो वहाँ का जो हेड होता है भाई इस मूवी का विलन दिखाया है, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे प्लान्स चल रहे होते हैं शैतानी प्लान्स जो कि बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देंगे। तो जाहिर सी बात है विलन को रोकने कोई तो आएगा ही, वरना कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस मूवी की मेन लीड उसको कैसे रोकती है इस मूवी को देख के जाओ। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन जुगाड़ वाला तरीका लगाओगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और भाई इसके अंदर सही में भाई गजब का एक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम है स्पेक्ट्रल और ये 2016 में आई थी। इसकी कहानी कुछ फौजियों के अराउंड घूमती है जो कि एक जंग पे जाते हैं, लेकिन कोई एक इनविजिबल चीज उन लोगों को मार दे रही होती है, उनको भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है किस तरीके से उनके साथ हो रहा है। तो एक काफी हाईटेक कैमरा जिसका नाम स्पेक्ट्रल होता है वो इस्तेमाल करा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके उनको पता चलता है कि उनकी वॉर एक सुपर नेचुरल बींग से है। अभी लोग कैसे उसके साथ बैटल करते हैं इस मूवी को देख के जानो। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। और भाई ये मूवी जब देखी थी इसका कॉन्सेप्ट भाई सही में ऐसा लगा था कि फ्यूचर में काफी ज्यादा पॉसिबल है कि सही में हो जाए। इस मूवी का नाम है द आइलैंड और ये 2005 में आई थी। इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुनिया खत्म हो चुकी होती है, बच्चों को कुछ इंसान एक कॉलोनी में सेटल कर दिए जाते हैं और वहां पे उनको रोजमर्रा के काम करने होते हैं। लेकिन भाई वहां पे हर हफ्ते एक ऐसे विनर चुना जाएगा जो कि एक आइलैंड पे भेजा जाएगा जहां पे उनको बिल्कुल जन्नत वाली जिंदगी मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत में मूवी की हीरोइन यानी स्कारलेट जॉनसन सिलेक्ट हो जाती है उस आइलैंड पर जाने के लिए, लेकिन भाई इसको जो बंदा होता है जो उसका आशिक होता है उसको जाने देने नहीं चाहता, क्योंकि भाई उसको आइलैंड के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है जो कि सही में उसकी आंखें फाड़ के रख देता है। और भाई सही में ये चीज हमको भी जब पता चलती है तो भाई यकीन नहीं होता है। आपके अंदर अगर आपकी क्यूरियोसिटी जाग गई मूवी देखने की तो भाई जरूर देखो उस मूवी को एक बार। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। रेंट पे है वैसे तो अपना जुगाड़ लगा सकते हो, लेकिन रेंट पे देख सको तो रेंट पे देख लो। अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है रेडियस और भाई ये 2017 में आई थी। भाई इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी कमाल है। इसके अंदर एक आदमी होता है जो कि नींद से जागता है, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती अपनी, उसको भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो बंदा कौन है, लेकिन भाई उसके साथ एक ऐसी मिस्ट्री चल रही होती है कि हमारा भी दिमाग घुमाने लग जाती है। उसके आसपास के रेडियस के अंदर जो भी इंसान आता है भाई तुरंत को तुरंत मर जाता है। अगर कोई अकेले आया तो वो भी मर गया, अगर बहुत सारे लोग उसके आसपास आए तो वो सब मर जाएंगे। अब ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है इस मूवी को देख के जानो। फिलहाल किसी ओटीटी पे नहीं मिलेगी तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ मूवीज थी जो मैं इस वीडियो के दौरान रिकमेंड करना चाहता था। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी मूवी है जो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती हो तो नीचे कमेंट जरूर बताना। मेरे को भी बहुत सारी मूवीज कमेंट्स के थ्रू पता
चलती है और उनको जब देखते हैं तो भाई सही में ऐसा लगता है कि कैसे मिस हो गई थी, अब तक क्यों नहीं देखी। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी मूवी है तो भाई कमेंट बॉक्स प्लीज़ इस्तेमाल करो। और अगर आपको इसी तरीके की दिमाग घुमा देने वाली मूवीज़ देखना पसंद है जिनमें आपको टाइम ट्रेवल का तड़का भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो मैंने 13 मूवीज़ की लिस्ट बनाई थी जिसका थंबनेल आपको इस समय वीडियो पे दिख रहा होगा, तो आप उसको टैप करके वो वाली वीडियो देखने कंसीडर कर सकते हो। अभी की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात तो अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।